रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 22वें दिन भी जंग जारी है। इस युद्ध में रूस आए दिन यूक्रेन पर और अधिक हमलावर होता जा रहा है। वहीं इस संकट के बीच 6 देशों ने यूक्रेन में मानवीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए आज यूएनएससी की आपातकालीन बैठक बुलाई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने रूस को आदेश दिया है कि वह यूक्रेन पर तुरंत हमला बंद कर दे। आपको बता दें कि रूसी कार्रवाई को रोकने के लिए यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। बुधवार को आईसीजे ने इस पर यूक्रेन के पक्ष में फैसला सुनाया और रूस को अपनी सैन्य कार्रवाई तत्काल रोकने का आदेश दिया। अदालत ने अपना फैसला 13-2 के बहुमत के साथ सुनाया। इसका मतलब है कि 13 जजों ने रूस के खिलाफ वोट किया, जिसमें भारत के जज दलवीर भंडारी भी शामिल रहे। आखिर जस्टिस दलवीर भंडारी क्यों चर्चा में है, कौन है वो, आइए ये भी आपको बताते हैं। दलवीर भंडारी का रूस के खिलाफ मतदान इसलिए चर्चा में है क्योंकि अब तक भारत ने पूरे मामले पर तटस्थता बरकरार रखी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में रूस के समर्थन में वोट करने वाले सिर्फ 2 जज रूस और चीन से थे। भारत सरकार के सहयोग के बाद दलवीर भंडारी आईसीजे के जज बने हैं। रूस यूक्रेन मामले पर उनका मत भारत सरकार से ठीक विपरीत है। रूस से संबंधों और यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के चलते भारत यूएन में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग से खुद को अलग कर चुका है। भारत ने कहा है कि रूस और यूक्रेन शांति और वार्ता से इस विवाद को हल करें। बुधवार को अपने फैसले में आईसीजे ने कहा कि वे यूक्रेन में रूस के बल प्रयोग पर बेहद चिंतित हैं और उसे यूक्रेन की मानव त्रासदी के बारे में पूरी जानकारी है। अदालत ने रूस को अपनी कार्रवाई तुरंत रोकने का आदेश देते हुए कहा कि रूस की तरफ से कोई भी पक्ष इसमें दखल ना दे और कोर्ट का जो भी फैसला होगा वह सभी के लिए बाध्यकारी होगा। विश्लेषकों का मानना है कि संभवतः रूस आईसीजे के इस फैसले को नहीं मानेगा। अगर कोई देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के किसी आदेश का पालन करने से इनकार करता है तो आईसीजे के न्यायाधीश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से उस पर कार्रवाई की मांग कर सकते हैं, जहां रूस को वीटो शक्ति प्राप्त है। जेलेंस्की ने आईसीजे के फैसले को यूक्रेन की जीत करार दिया था और कहा था कि आदेश की अवहेलना रूस को और भी अलग थलग कर देगी। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 डिजिटल। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।